हेलो एंड वेलकम, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित जौनपुर से। स्टूडेंट बता दें कि यदि आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई लिंक से जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि परीक्षा के समय हम आपकी विशेष तरह से तैयारी करा सकें। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हिस्ट्री पावर पॉइंट की एक नए वीडियो में। स्टूडेंट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड लेसन 6 है और जिसका नाम है अर्धचालक भौतिकी, इंग्लिश में बात करें तो सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हैं। स्टूडेंट यह वीडियो है पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच के लिए, कोई भी ब्रांच हो देख सकते हैं, कॉमन सब्जेक्ट है और क्लास ट्वेल्थ वाले यानी जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है क्लास ट्वेल्थ वाले में भी ऐसी टॉपिक्स देखने को मिलती है। यदि क्लास ट्वेल्थ वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी वीडियो को एंड तक देखते रहें। चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो की हम सबसे पहले हम टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले स्टूडेंट 3 पार्ट बना दिए गए हैं, यदि आपने भाग 3 नहीं देखा तो वो सब देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट आज हम आपको बताएंगे एवलांचे ब्रेकडाउन इन डायोड और दूसरा बताएंगे जीनर ब्रेकडाउन इन डायोड। दोनों दोस्तों यह टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यानी आपको मिला जुला कर ये दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी बहुत ही आवश्यक, क्या होती है दोनों एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। चलिए स्टूडेंट हम कॉपी पर चलते हैं, वहाँ पर हमने आसान भाषा में लिख दिया और वहाँ पर लिख देकर समझते हैं किस तरह से इसको हम परिभाषित वगैरह कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट हम फाइली कॉपी पर आ चुके हैं तो हम आपको, मैंने कहा कि हम आपको बताएंगे एवलांचे ब्रेकडाउन इन डायोड मतलब क्या होता है, हमने यही टॉपिक्स कही थी गाइस तो यही टॉपिक के बारे पे हम बात करेंगे। देखिए क्या होता है, पहले एवलांचे मैं एक बार पढ़ के यहाँ पर सुनाता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आसान भाषा में। देखिए क्या होता है, जब पीएन जंक्शन डायोड, जो कि जब पीएन जंक्शन डायोड यहाँ तो नहीं लिखा गया बट फिर भी कह सकते हैं क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में होती है तो पीएन जंक्शन में अनंत चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे या तो होल्स उत्पन्न होते हैं जिससे धारा का मान तेजी से बढ़ता है। वह रिवर्स वोल्टेज जिस पर यह घटना घटती है उसे डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जब जंक्शन पर ब्रेकडाउन की स्थिति आती है तो डिप्लीशन लेयर में उपस्थित माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अब डिप्लीशन लेयर गाइस हमने बता दिया क्या होता है डिप्लीशन लेयर तो यहाँ पर ज़्यादा जानकारी यहाँ मतलब ज़्यादा नहीं बताएंगे तो अभी मैं फिर से बाद में बता दूंगा, जब यहाँ पर पहले समझ लेते हैं पूरी चीज़ें। उपस्थित माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिससे इनका वेग इतना अधिक हो जाता है कि ये सेमीकंडक्टर के अन्य परमाणुओं से टकराकर उनके कोवैलेंट बांड को तोड़ देते हैं। यह क्रिया नियमित रूप से चलती रहती है और इस घटना को एवलांचे ब्रेकडाउन तथा जिस रिवर्स वोल्टेज पर यह घटना घटती है उसे एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो गाइस कितनी आसान भाषा में हमने लिखा है, आसान भाषा में आपको हमने बताया, अभी मैं कुछ और तरीके से इसको समझाता हूँ ताकि आपको और आसानी से आ जाए पूरी चीज़ें। तो चलिए गाइस अब आपको बताता हूँ जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, नाम है ना जीनर ब्रेकडाउन तो इसके बारे में समझ लीजिए। तो दोनों लगभग सेम ही हैं, सिर्फ अंतर जो है अभी बाद में दोनों पढ़ने के बाद आपको देखने के बाद पता चल जाएगा क्या अंतर है। देखिए पीएन जंक्शन में होने वाला जीनर ब्रेकडाउन एवलांचे ब्रेकडाउन से भिन्न होता है। अब देखिए कन्फर्म हो गया कि पीएन जंक्शन में जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है वो एवलांचे ब्रेकडाउन से पूरी तरीके से भिन्न है यानी अलग है। अब होता क्या है, यदि प्रारंभ में विद्यमान माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी कैरियर रिवर्स इलेक्ट्रिक सोर्स से यानी रिवर्स बायस में तो कनेक्ट किया जाता है क्योंकि जीनर जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है तो क्या होता है, ये परमाणु से इतनी एनर्जी ग्रहण नहीं कर पाते कि वे परमाणुओं के बांड को तोड़ सके यानी जो अन्य परमाणु है। लेकिन अब होगा क्या गाइस, लेकिन रिवर्स बायस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही अधिक होती है अतः वैद्युत क्षेत्र सीधे ही यानी वैद्युत क्षेत्र इतना तेज होगा उसके कारण सीधे परमाणु के बांड को तोड़ दिया जाएगा जिससे होगा क्या यहाँ पर, जिससे नए इलेक्ट्रॉन व होल
उत्पन्न होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होल वो उत्पन्न हुए तो इसी घटना को जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं, तथा वैद्युत क्षेत्र के जिस मान पर यह घटना घटती, यानी जो वोल्टेज पर यह घटना घटती है, उसे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। एक यहाँ पर गाइस हमने इसकी करेक्टिक बनाकर रखी है। देखिए गाइस, इतना लिखने की कोई मतलब लिखने से ही सब कुछ नहीं होता है, ये मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट होता है, समझिए उस प्रकार का यह टॉपिक्स यहाँ पर मिल रही पढ़ने को आपको। तो गाइस आपको ये जो करेक्टिक है इसे बोलते हैं VI करेक्टिक, वोल्टेज तथा इनपुट के बीच खींची गई करेक्टिक्स अभिलक्षण VI करेक्टिक कहलाती है डायोड की। तो गाइस एक बहुत ही जरूरी है, आप इसके 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा जीनर ब्रेकडाउन और इसका फिगर बना लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। अगर आता है इसको बनाते हैं तो एग्जामिनर जो होगा चेक करने वाला पहले सबसे पहले इसी को देखेगा। एक नोट से यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको भी आप देख लीजिए। जीनर ब्रेकडाउन, देखिए जीनर ब्रेकडाउन ताप का निगेटिव फैक्टर मल्टीपल होता है, तथा एवलांसे ब्रेकडाउन इसका उल्टा होता है, यानी वो क्या होता है फैक्टर मल्टीपल, निगेटिव फैक्टर मल्टीपल नहीं होता है। अब देखिए इतनी चीज़ें हो गई, अब मैं एक आसान भाषा में इसको समझाता हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको एवलांसे ब्रेकडाउन क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए पहले सबसे पहले हमने क्या सुना कि रिवर्स बायस में होता है हमारा, तो अनंत चार्ज कैरियर पर होता है जिससे धारा का मान तेज़ी से बढ़ता है। जिस रिवर्स वोल्टेज पर यह घटना घटती है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जब जंक्शन पर ब्रेकडाउन की स्थिति आएगी तो डिप्लीशन लेयर में उपस्थित जो चार्ज कैरियर होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे इनका भी इतना होगा, इतना अधिक हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर यानी जो अन्य आवेश मतलब अन्य जो पदार्थ मतलब होंगे परमाणु उनके को तोड़ देंगे फटाक से, उनके कोवेलेंट बॉन्ड को सहसंयोजक बंध को तोड़ देंगे। यह क्रिया नियमित रूप से चलेगी, इसी को हम एवलांसे ब्रेकडाउन कहते हैं। और जिस वोल्टेज पर यह घटना घटती है उसे हमने क्या कहते हैं, एवलांसे ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो गाइस कितना आसान भाषा में आपको समझाया गया, चलिए आगे कुछ समझते हैं। आगे हम समझते हैं जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। जीनर ब्रेकडाउन के यहाँ पर हम आसान भाषा में बताते हैं। देखिए हम सबसे पहले हम यही जान जाएंगे कि जीनर जो ब्रेक मतलब पीएन जंक्शन में जो होने वाला जीनर ब्रेकडाउन है ये एवलांसे ब्रेकडाउन से भिन्न होता है। प्रारंभ में तो माइनॉरिटी चार्ज के लिए कम होते हैं तो इनकी ऊर्जा बैटरी वगैरह से नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि वे अन्य परमाणु को तोड़ सके, लेकिन रिवर्स बायस है गाइस, रिवर्स बायस में जब वोल्टेज और बढ़ाएंगे ना यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अधिक हो जाएगी। अतः फिर होगा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमारी अधिक हो गई तो हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र जो हमारा अधिक हो जाएंगे तो ये जो वैद्युत यहाँ पर दिखाई देंगे वैद्युत क्षेत्र परमाणु को सीधे तोड़ देंगे, जो वैद्युत क्षेत्र इतना तेज रहेगा उसके कारण जो पदार्थ मतलब बॉन्ड और रहेंगे उनको तोड़ देंगे। तो इसी घटना को जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। होल से उत्पन्न हुए नए तो यहाँ पर हमने क्या कहा, यही घटना जीनर ब्रेकडाउन कहलाती है, तथा वैद्युत क्षेत्र के जिस मान पर, तथा क्या बताएगा, वैद्युत क्षेत्र के जिस मान पर यह घटना घटती है उसे डायोड का जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। तो गाइस हमने 2 बार आपको पढ़कर बताया, एक तो हमने लगभग धीरे धीरे पढ़ा, एक बार आसान भाषा में बताया कि किस तरह से इसे बोल सकते हैं या कह सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आ सकता है, हालांकि फिजिक्स में नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ते होंगे उनमें जरूर आएगा। और ये फिगर आप देख लें, VI करेक्टिव बनाई गई है, यहाँ पर देखिए जीनर ब्रेकडाउन लिखा है, पहले ही हो जाता है एवलांसे ब्रेकडाउन, बाद में होता है भी वोल्टेज धारा। और नोट्स यहाँ पर आपने देखा ही, नोट्स में क्या लिखा गया है, जीनर ब्रेकडाउन जो होता है ताप का निगेटिव फैक्टर मल्टीपल होता है, और एवलांसे ब्रेकडाउन इसका विपरीत यानी निगेटिव फैक्टर मल्टीपल नहीं होता है। तो गाइस अभी तक हमने कितनी चीज़ें जाने देखे, अभी तक देखिए हमने पहले बता दूँ, मैंने अभी तक बताया था तीसरे पार्ट में डिप्लीशन लेयर, पीएन जंक्शन, विभव प्राचीर, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट, इन सब के बारे में। चौथे में हमने बताया, चौथे पार्ट में एवलांसे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन के बारे में। स्टूडेंट अब बता दूँ कि 5वें पार्ट में हम आपको बताएंगे सेमीकंडक्टर डायोड का अभिलक्षण, और अभिलक्षण 2 प्रकार से होते हैं इसके, एक तो फॉरवर्ड बायस करेक्टिक होती है, दूसरी रिवर्स, यानी पार्ट 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है गाइस। यही अगर इसमें पूछा तो ये पूछता है, और इसके पास जो टॉपिक आएंगे वो सब पूछता है, यानी पार्ट 5 आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो
बनाता रहता हूँ। अगर इस टॉपिक से आपका कोई डाउट्स है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और गाइस बता दूँ, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ना इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चल सके यहाँ पर ऐसी वीडियो मतलब वीडियो बनाई जा रही है पॉलिटेक्निक सीरीज़ की, आएँ सीखें अपने नॉलेज को, वो भी पावरफुल बनाएँ और अच्छे खासे परीक्षा में स्कोर कर सके। अब वीडियो कहीं पर एंड करूँगा, मिलूँगा पार्ट नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय।